Well, hello, folks. Welcome to another episode of Bollywood This Week. With Muhammad Ansari, आप सभी लोगों का अवतार 2 के डे नंबर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? But friends, Avatar 2 is on its way to smash a huge record. Hey guys, जब Avengers Infinity War, Avengers Endgame आया था, तब जो बॉक्स ऑफिस था, वो फट चुका था. That was pre-pandemic. Pre-pandemic box office जो था वो अपने full potential पे open था, इसीलिए उन फिल्मों ने यहाँ पर especially Endgame ने 53 crore का बाप level का business किया. लेकिन all said and done, महामारी के बाद we also had a KGF chapter 2, लेकिन guys Avatar से हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी. लेकिन unfortunately एक बहुत ही unfortunate incident हुआ है, इसके कारणवश वो figure जो हम चाहते थे वो अचीव करे उतना वो नहीं कर पाएगा. लेकिन गाइस, जितने सिनेमाज है, जितने स्क्रीन्स है, उसमें अवतार बाप लेवल कलेक्शंस किया है. एंड गाइस, एक बहुत ही स्ट्रांग टोटल पोस्ट करेगा. एंड गाइस, जितने लोग अवतार ये देखने ये सोचकर गए थे, अरे यार ये तो एवेंजर्स टाइप फिल्म होगी, ये तो मार्वल टाइप फिल्म होगी, जेम्स कैमरून ने खुद अपने मुंह से बोला, कहाँ एवेंजर्स का VFX एंड CGI एंड कहाँ मेरी अवतार का CGI एंड VFX. क्यों गाइस, जिन लोगों को फिल्म की समझ है, फिल्म की नॉलेज है, जो लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हम देखने जा रहे हैं, व्हाट आर वी वॉचिंग, ओके, उनको पता है कि एग्जैक्टली वो क्या देख कर आए हैं. द विजुअल्स ऑफ अवतार आर माइंड नंबिंग मैन. सीरियसली, अभी भी मैं रास्ते में देख रहा हूँ ना लोगों को, वो मुझे अभी भी 48 FPS पे दिखाई दे रहे हैं. लिटरली this whole feeling is outstanding and unreal. जितने लोग बोल रहे हैं कि उनके वहाँ IMAX सिनेमा नहीं है, भाई 3D में देख लो, नॉर्मल जाकर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, 3D में भी बाप लेवल की फील आएगी, वही विजुअल्स आएगा. IMAX इज एन एनहांस एक्सपीरियंस. जिनके वहाँ IMAX नहीं है, 3D भी नहीं है, भाई 2D में देख लो, फिल्म देखो एटलीस्ट फॉर इट्स एक्सपीरियंस जाकर. डोंट मिस दिस. इंतजार मत करो इसका, यू नो, छोटे पर्दे पर आने के लिए. गाइस, अब एग्जैक्टली क्या हुआ है वो जानने की कोशिश करते थे. गाइस, तमिलनाडु में 70 थिएटर्स है जहां पर अवतार द वे ऑफ वाटर जो है वो वहां पर रिलीज नहीं हो रही. अब गाइस, मैं आपको थिएटर के नाम जो है फटाफट बताऊंगा. अब एग्जैक्टली क्या हुआ है यहां पर, अवतार 2 यहां पर स्क्रीन क्यों नहीं हो रही है, कि डिस्ट्रीब्यूटर्स यहां पर 70% शेयर इन द कलेक्शन मांग रहे थे. समझ में आ रहा, यूजुअली कलेक्शन रहता है डिस्ट्रीब्यूटर का, वो 50% रहता है हॉलीवुड फिल्मों का, लेकिन वो 70% मांग रहे थे. इसलिए बहुत सारे सिनेमा जैसे कि AGS चेन, राखी, DNC, VDL, वेट्री, सबसे बाप लेवल का सिनेमा घर वेट्री, श्री शक्ति, मदुरई वेट्री, कोलातूर, जयालक्ष्मी, मीनाक्षी, नेशनल, MR, ये बड़े बड़े सिनेमा घर है जहां पर अवतार 2 जो है वो यहां पर नहीं रिलीज हुई है. एंड इसी का कारण है वो फिगर जो हम अचीव करना चाहते थे, मैंने कि हमारा जो प्रेडिक्शन था पहले दिन का, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया. क्योंकि गाइस, साउथ में ये फिल्म बवाल कर रही है. मैंने आपको बताया किस तरह से साउथ में स्पेशली बैंगलोर में रिकॉर्ड शोज लेकर मैदान में उतरा है. चेन्नई, कोची, सब जगह बाप लेवल के शो काउंट थे. अब पहले हम डिस्कस कर लेते कि एग्जैक्टली ये बाप लेवल का शो काउंट आखिर है तो है क्या. ओके गाइस, सो यहां पर अवतार 2 जो है वो अपने पहले दिन यहां पर जो शो काउंट एंड स्क्रीन काउंट लेकर उतरी है वो है 3800. यस फ्रेंड्स, 3800 स्क्रीन्स में अवतार रिलीज हुई है एंड इसका जो शो काउंट है वो 17000 है. यानी कि प्रतिदिन सारे भाषाओं में अवतार द्वितीय 17000 शोज लेकर मैदान में उतरी है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग नंबर है. तो गाइस, ये पहली बार होगा हम ऑल फॉर्मेट्स डिस्कस करने वाले हैं. एपिसोड्स काफी रॉ होंगे, लेकिन जो बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेमी है उनके लिए एपिसोड बहुत मजेदार होंगे. चलिए इसके एपिसोड आगे बढ़ाते हैं. इंग्लिश 3D फ्राइडे मुंबई 567 शोज 27% ऑक्यूपेंसी. दिल्ली NCR 408 शोज 34% ऑक्यूपेंसी. पुणे 196 शोज में 38%. बेंगलुरु 552 इंग्लिश 3D शोज में 58%. हैदराबाद में 318 शोज में 80%. चेन्नई में 184 शोज में 81%. एंड गाइस, कोच्चि में 140 शोज में 58%. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. बात करो गाइस ऑक्यूपेंसी की, तो मॉर्निंग 30%, आफ्टरनून 35%, इवनिंग 50%. जब आपका इंग्लिश 3D इतनी ऑक्यूपेंसी लेता है ना, कलेक्शन अगर स्काई रॉकेट. इंतजार कीजिए कल का, लेट्स सी किस तरह से आते हैं, एडवांस बुकिंग कल हम डिस्कस करेंगे. बात करते हैं आईमैक्स की. मुंबई में 29 शोज थे 70% ऑक्यूपेंसी. दिल्ली NCR 19 शोज थे 88. पुणे 5 शोज में 70. बेंगलुरु 30 शोज में 88. चेन्नई 9 में 9.
होपफुल। देखो तमिलनाडु में कितना नुकसान हुआ है फिल्म नहीं लगी है तो। कोलकाता 5 शोज में 81% ऑक्यूपेंसी देखो आईमैक्स की, मॉर्निंग शो 70%, आफ्टरनून 81, रात को 94% ऑक्यूपेंसी, क्रेजी। 4DX सुनो, मुंबई में 14 शोज 90% ऑक्यूपेंसी, दिल्ली NCR 23 शोज में 88, पुणे 10 शोज में 80, बैंगलोर 25 में 25 हाउसफुल, हैदराबाद 8 में 8 हाउसफुल, अहमदाबाद 6 में 6 हाउसफुल, कोची 5 में 5 हाउसफुल, मॉर्निंग 89, उसके बाद 100% ऑक्यूपेंसी। दिस इज अ बैंगर ओपनिंग फॉर एवटार द्वितीय इन द 4DX वर्जन। लेकिन भैया हिंदी 3D पीछे नहीं रहा, तो हमारी ऑडियंस इवॉल्व हो रही है, दे आर गोइंग एंड वॉचिंग इट। मैंने देखा एंथुसियाज्म यंगस्टर्स का, इट वॉज क्रेजी मैन सीरियसली। मुंबई में 344 हिंदी 3D शोज थे, 38%, वॉट एन ओपनिंग। दिल्ली NCR 353 शोज में 55% ऑक्यूपेंसी, पुणे 142 शोज में 40%, बेंगलुरु 15 शोज में 30%, हैदराबाद 40 शोज में 68% एंड कोलकाता में 99 शोज में 71%। दीज आर क्रेजी ऑक्यूपेंसी फॉर हिंदी 3D। इसलिए गाइस माय प्रेडिक्शन फॉर अवतार द्वितीय, अगर तमिलनाडु में लफड़ा नहीं होता, डेफिनेटली एटलीस्ट 43-44 करोड़ जाती, साउथ से बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं आई। सो गाइस माय प्रेडिक्शन फॉर द फर्स्ट डे इज 39-40 करोड़। यस, मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि 50 करोड़ नहीं जाएगी। ओके, अब अगर प्रोड्यूसर ग्रॉस देता है तो प्रोड्यूसर 44 करोड़ का ग्रॉस देगा। ओके गाइस, एंड अगर नेट कलेक्शन देगा तो 39-40 करोड़ का देगा। कल का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो कल ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाला एपिसोड जो है वो मिस मत करना। देखो गाइस, अवतार फिल्म है वो देखना जरूरी है, कोई भी फॉर्मेट ले लो, IMAX में जाके देखो, 4DX में देखो, लेकिन गो एंड वॉच दिस फिल्म, यू गोना एंजॉय। एक्शन इंडिया में ऐसी फिल्म में इतना अप्रिशिएट किया जाएगा, क्योंकि एक्शन ब्लॉक्स जो है ना इस फिल्म में बहुत ज्यादा है, बहुत एक्शन है। कोई बंदा बोला भाई कि हम अवतार में बोर हो गए थे, तो उसको बोलना भैया आइए आपको समोसा खिला के देंगे, क्योंकि आज समोसा ट्रेंडिंग विषय है यहाँ पर। ओके, सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, एपिसोड पसंद आया प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।